आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी अपनी, तो उस समय हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में हरियाणा नंबर एक था। और आज 10 साल के बाद कहाँ है हम? आज बेरोजगारी भी नंबर एक, भ्रष्टाचार में, अपराध में, जो केंद्र सरकार की जो गृह मंत्री की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है वो कहते हैं हरियाणा असुरक्षित है, तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और नौकरी देने में तो जो है ऐसी परिस्थिति कर दी, रोजगार कौशल निगम चला दिया, कच्ची नौकरी देते हैं, जिनको तनख्वाह बहुत अच्छी मिलनी चाहिए उनको कम तनख्वाह देते हैं, और ना उसकी पेंशन ना और कोई पक्की नौकरी। और उसका नतीजा ये हुआ आज हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं, नौकरियां नहीं दी इन्होंने। ये परिस्थिति हो गई हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, मास्टर ने स्कूल ही बंद कर दिए 5,000 इन्होंने। तो इस प्रकार से जो है हरियाणा बहुत पिछड़ गया है।